अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताना है कि वाल का अगर प्रेशर ना हो, बिल्कुल प्रेशर ना हो, तो किस तरह पता चलता है कि वाल का प्रेशर बिल्कुल नहीं है और बाइक स्टार्ट भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आज पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों की कॉलें आई है कि यार इसका किस तरह पता चलेगा हमें कि ये इसके वाल का प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से दोस्तों बताने लगा हूँ। ये बाइक हमारे पास आई है तो इसके वाल का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हेड सिलेंडर इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस तरह चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसकी किक जो है वो लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किक जो है बिल्कुल हाथ से लग रही है। एक तो तरीका ये होता है ना, ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इसकी किक में बिल्कुल जान नहीं है। इसको लगाते हैं तो ये आराम से नीचे जा रही है। ये हाथ से मैं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर हल्का सा हाथ रखते हैं तो ये नीचे चली जाती है। एक तो मसला ये होता है। ठीक है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि वाल का प्रेशर नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों, आपने इसका प्लग खोलना है। दोस्तों, ये मैंने प्लग जो है इसका बिल्कुल खोल दिया है। अब आपने ये जो फिंगर है ये आपने यहाँ पे रखनी है जिधर प्लग लगता है। ठीक है, अब आपने किक लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये किक लगा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी पटाखे की आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि प्रेशर नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल पटाखे की आवाज़ नहीं आ रही, प्रेशर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके वाल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, इसके लिए आपने इसका हेड भी खोलना है और सिलेंडर भी खोलना है, साथ इसके रिंग भी चेंज करने होते हैं और इसके वाल भी चेंज करने होते हैं। उसके बाद इंजन ऑयल जो है वो चेंज करके इसको फिट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन हो जाएगी और बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि इसका करंट भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट आ रहा है, मगर इसका प्रेशर नहीं है, हेड सिलेंडर इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका तरीकाकार मालूम हो चुका होगा कि आपने किस तरह इसके वाल को चेक करना है कि वाल इसके ख़राब है या नहीं। तो ये बाइक मेरे पास आई है तो मैंने आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बना दी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।